हम हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है। राजू भैया की शेयरिंग से शुरू करते हैं। राजू भैया का मैं परिचय रख देती हूँ। राजू नामदेव राव पांचल भैया एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड है इंजीनियरिंग साइंस एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में JSPM कॉलेज पुणे में। भैया ने पहला वर्कशॉप जो जुलाई 23 में किया था पुणे में ही, और फिर UHV2 जनवरी 24 में PVG COET कॉलेज पुणे में किया। भैया वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। ऑब्जर्वर एंड को फैसिलिटेटर के रूप में भैया ने UHV की FTP में पार्टिसिपेट किया है, और 10th बैच की कॉलिंग का काम भी भैया कर रहे हैं, और वीकली मीटिंग को रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। जी राजू भैया नमस्ते, ओवर टू भैया। नमस्ते सभी को। मैं मेरी शेयरिंग यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। मैंने जो सबसे पहले मैं अपना परिचय रखना चाहूँगा। मेरा नाम राजू नामदेवराव पांचाल है। मैं UHV से सबसे पहले जुड़ा हूँ। फेस टू फेस वर्कशॉप में 6 जुलाई 2023 को, जो कि हमारे यहाँ पे ही हुआ था, उसके जो रिसोर्स पर्सन थे विनय चिद्री भैया थे, और वहाँ जो ऑब्जर्वर के रूप में PVG से श्रीलेखा घटी दीदी आई थी, और उसी दिन से मैं ये UHV में जुट गया हूँ। पहले दिन के शुरू में ही मानव की चाहना क्या है इस पे विनय भैया ने जो प्रपोजल्स रखे, तो मैं सबसे सामने बैठ के ही विनय भैया की बात सुनता था और लिख के लेता था। पहले दिन तो समझ में आ रहा था कि ये किस रूप में प्रस्ताव रखे जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे उसकी अच्छी जो क्लैरिटी भी बनती जा रही है, और मैं उसके साथ ही जुड़ा रहा। दूसरा वर्कशॉप जब लॉन्च हुआ PVG का, तो मैं डेली हिंदी मीटिंग अटेंड करता हूँ, तो वो लॉन्च होने के उसी दिन सबसे पहला मैंने ही रजिस्ट्रेशन किया, और उसमें गोपाल बाबू भैया आए थे रिसोर्स पर्सन, और निधि दीदी भी थे को फैसिलिटेटर और ऑब्जर्वर के रूप में। औरंगाबाद से हमारे भैया आए थे, और उस दिन भैया ने, गोपाल बाबू भैया ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हमें तो सिर्फ ध्यान दिलाना है, और वो इतनी अच्छी तरह से समझ में आई कि हर क्षण मैं उसी ध्यान पे मैं काम करता हूँ। फिर उसके बाद जो ये मीटिंग हुई, जिसमें गणेश बागड़िया भैया ने कहा कि मानव की मूल चाहना क्या है, तो पहली बात तो हम जीना चाहते हैं, ये भी मुझे समझ में आया, और जीना कैसे चाहता हूँ तो सुविधा के साथ, लेकिन उसके आगे हम लोग तृप्ति पूर्वक जीना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत लगती है, वो है संबंध और सुविधा। लेकिन अगर हम निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना चाहते हैं तो उसके लिए हमको तीन चीजों की जरूरत लगती है, एक है समझ, दूसरी संबंध और तीसरी सुविधा। तो हमारी यहाँ पे ये तीनों चीजों में हम लोग पहले ही स्टेप में ज्यादा से ज्यादा मैं अटका हुआ हूँ ऐसा लगता था, लेकिन अभी ये तीनों का क्रम सिद्ध मुझे समझ में आया। मैं अभ्यास एक के बारे में यहाँ पे रखना चाहूंगा। अभ्यास एक का जो टाइटल है कि स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना हर क्षण, तो ये मैं सुबह के सत्र में पहले 8th बैच में तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे देखूं क्या देखूं, सिर्फ बैठता था आंखें मूंद के और देखने की कोशिश करता था, लेकिन 9th बैच में वो बहुत अच्छा क्लियर हो गया, और मैं अभी कल्पनाशीलता को, इच्छा भाव विचार और आशा को, दोनों को ही बिना प्रतिक्रिया दिए देख पा रहा हूँ, कुछ हद तक तो देख पा रहा हूँ। दूसरे पहले स्टेप के दूसरे चरण में एक क्षण आप में जो भाव है वो आपको सहज स्वीकार्य है या नहीं,
तो ये भी बात मुझे लगता है कभी कभी भाव बिगड़ जाते हैं तो वो सहज स्वीकार्य नहीं रहते, तो वो उसके लिए मैं फिर तो थोड़ा सा उसका प्रभाव भी शरीर पे होता है, और थोड़े क्षण में वो फिर से वो स्टेप 1 का दूसरा चरण याद आया तो वो भाव भी छूट जाते हैं। तीसरा स्टेप में जब पहले अभ्यास 1 के तीसरे चरण में इस क्षण आप में जो भाव विचार चल रहे हैं उस भाव के साथ आप आराम में हैं, संगीत में हैं, सुखी है, ये मुझे साफ साफ अभी दिखाई दे रहा है। अगर मैं आराम में नहीं रहता हूँ तो वो भाव विचार को उसी क्षण छोड़ भी सकता हूँ, यहाँ तक भी मुझे समझ में आ रहा है, ये साफ साफ दिखाई भी देता है। चौथे स्टेप में इस क्षण आप में जो भाव विचार चल रहे हैं इसका निर्णय कौन लेता है, तो ये मुझे साफ दिखाई देता है कि इसका मैं ही निर्णय लेता हूँ। उसमें बाह्य की परिस्थिति भी उसमें जैसे कि ज्वाला भड़काने में काम करती है ऐसा मुझे लगता है, या दूसरा कोई व्यक्ति या आप स्वयं, ये तीनों में से ये तीनों भी जिम्मेदार दिखते हैं। बाहर की परिस्थिति भी जिम्मेदार होती है, दूसरा व्यक्ति भी जिम्मेदार होता है या आप स्वयं। तो मेरा तो काम है कि निर्णय लेना, तो यहाँ की दोनों के बीच में मैं फिर वो बाह्य परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है इसीलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ, दूसरा व्यक्ति भी मेरे कंट्रोल में नहीं है इसीलिए उससे भी मैं छोड़ जाता हूँ, और मैं मेरा ही खुद पे ध्यान देने लगा के वो परिस्थिति पे कंट्रोल पा सकता हूँ पाता हूँ। तीसरा पांचवा जो स्टेप है, इस क्षण आप में जो भाव विचार चल रहे हैं उसका निर्णय आपने किस आधार पे लिया, किसी मान्यता के आधार पर या सही समझ के आधार पर। तो मान्यता है तो भरी वाली है, लेकिन सही समझ भी अभी हो रही है, जो सही समझ के आधार पे अभी मैंने उसका काम भी कर रहा हूँ कि वो उसको मैं कैसे भाव विचार को मैं क्लासिफाई करूँ। पहले अभ्यास 1 का छठा जो स्टेप है, कौन सा भाव आपको सह स्वीकार्य है, इसमें मान्यता के आधार पे लिए वाला भाव मुझे सह स्वीकार्य नहीं दिखता है, लेकिन सही समझ के आधार पे लिए वाला भाव मुझे स्वीकार्य लगता है। संबंध का भाव या विरोध का भाव, व्यवस्था या अव्यवस्था, सह अस्तित्व या संघर्ष, तो ये छठे स्टेप के पहले ए भाव में मुझे हमेशा संबंध का भाव ही अच्छा लगता है, व्यवस्था में जीना ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पिछली 22 साल से जो जॉब कर रहा हूँ उसमें कभी जानबूझ के लेट नहीं गया, तो मैं सह व्यवस्था में ही ये मैं उसका उदाहरण यहाँ पे रख सकता हूँ, और सह अस्तित्व में ही मैं रहना चाहता हूँ। मैं संघर्ष को बहुत जगह टाल ही देता हूँ, जहाँ तक होता है वहां तक। उसका छठा B में हम संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को संपूर्णता में समझने का काम करते हैं, पूरी प्रकृति और अस्तित्व के संदर्भ में। ये तो समझ में आ रहा है। अभ्यास 1 का 7वां स्टेप में सुनिश्चित करें कि इस क्षण आपका भाव संबंध सह व्यवस्था और सह अस्तित्व के अर्थ में है ना कि अन्यथा। ये भी मुझे थोड़ी हद तक तो समझ में आता है। इस आधार पर मैं संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। और 7वां स्टेप का दूसरा चरण, जब मैं संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को संपूर्णता से समझता हूँ तब मैं उसी अनुरूप अपने भाव विचार का निर्णय करता हूँ, और निरंतर आराम में रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ, ये भी बात सही बात मुझे लगती है। दूसरा अभ्यास 2 में मैं चैतन्य और शरीर के बीच में होने वाले आदान प्रदान को देखना, तो ये जब अभ्यास 2 शुरू हुआ तो ये पहले 10 मिनट बैठने के बाद समझ में आ रहा है कि मैं और शरीर ये अलग अलग वास्तविकताएं हैं, ये दोनों भी मुझे सीधा सीधा दिख रहा है।
दूसरा जैसे कि हम एक जगह पे बैठ के जो विचार आ रहे जा रहे उसी को देख पाते हैं, और शरीर में जो भी घटनाएं घट रही है और उसके जो आदान प्रदान हो रहा है, जैसे कि पैरों के कहीं तो भी कुछ अलग सा दर्द होना या कुछ खुजली होना, ये सीधा सीधा मैं पढ़ सकता हूँ और ये सूचनाओं को मैं आदान प्रदान होते हुए भी सीधा सीधा देख पा रहा हूँ। तीसरा, शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं ही लेता हूँ, ये भी मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। चौथा स्टेप अभ्यास दो का, मैं संवेदना से दूर होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाता हूँ, मैं और शरीर के बीच की दूरी। तो इसे मैं अभी उतने हद तक नहीं गया क्योंकि उसकी दूरी को समझना काफी कठिन होते जा रहा है, लेकिन मुझे पहले तीन स्टेप तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। चौथे स्टेप से थोड़ी कठिनाई बढ़ रही है, उसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत की जरूरत लग रही है। पांचवें स्टेप में बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंचता है, उसे मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ, उसे अर्थ देता हूँ, उसमें प्रभावित होता हूँ या नहीं होता हूँ, प्रतिक्रिया या जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ। जब बाह्य परिस्थिति होती है उसका मैं एक उदाहरण तौर पे दिखाता हूँ। एक मेरे दोस्त थोड़ा से, मैं क्लास में जब गया था तो कुछ बच्चे दंगा मस्ती कर रहे थे, तो मैंने उनको देख के शुरू से ही उनको डांटना शुरू किया, लेकिन उसी वक्त यह भी मैंने देखा कि उसकी वजह से मेरे शरीर के चेहरे का रंग बदल गया, आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई, हाथ पैर जैसे कि ऐसे बिना वजह से हिल रहे थे, और ये मैंने पूरा देखा। तो मुझे ये भी समझ में आया कि ये बाह्य परिस्थिति की वजह से हुआ। तो अभी मैं जो भी कुछ करता हूँ, अगर कुछ आता है तो मैं सहज रूप से स्वीकार करता हूँ कि बच्चा ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा जाके उनको समझाने की बात करता हूँ, तो उससे मेरे शरीर का जो भी परिस्थिति होती है वो नहीं बिगड़ती। छठे अभ्यास दो का छठा, बाह्य परिस्थिति का प्रभाव, बाह्य परिस्थिति का शरीर का प्रभाव तथा मेरा निर्वाह, प्रतिक्रिया पूर्वक या परतंत्रता पूर्वक जीना। तो ये जब मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे इसमें मैं परतंत्रता पूर्वक जीना लगता है, संवेदना का निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ, ये मैंने अभी भी कहा है कि मुझे ये पढ़ने में आ रहा है, मैं अपने संस्कार मान्यता आधारित के साथ छोड़कर उसका अर्थ निकालता हूँ। तो मुझे ये भी मेरे संस्कार तो बहुत सारे भरे पड़े हैं, लेकिन मैं उससे सही समझ के द्वारा उसे थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उससे प्रभावित होता हूँ, अपने भाव विचार को बनाता हूँ, बिगाड़ता हूँ, सुखी दुखी होता हूँ, यह स्थिति मेरे में अभी भी है, लेकिन कुछ हद तक वो कम भी हुई है। मैं प्रतिक्रिया पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ, तो ये भी मुझे अभी, मैं प्रतिक्रिया में बहुत ज्यादा नहीं जाता, मैं उसी को वहीं पे छोड़ देता हूँ। छठे इसका जो जिम्मेदारी पूर्वक परतंत्रता, जिम्मेदारी पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक जीना, मैं संवेदना को निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ, ये भी मुझे अभी समझ में आ रहा है। मैं अपने स्वभाव या निश्चित भाव में बना रहते हुए स्वयं में सुखी रहता हूँ, संवेदना से अप्रभावित होते हुए, इसको मैं अभी ये छठे स्टेप तक मैं आया हूँ अभी उसको, और मुझे इस चरण में काम करने की जरूरत है। उसमें संवेदना को पढ़ने के आधार पर बाहर की घटना, दूसरे का व्यवहार कार्य का आकलन करता हूँ, ये बात सही है। अगर कोई पर्सन मेरे से आता है या कुछ आर्गुमेंट करता है तो उसको समझ में आता हूँ, तो उसी क्षण उसे उस ध्यान से मैं उसको भटकाने की कोशिश करता हूँ,
हाँ सर हम बात करेंगे, ऐसा करके उनको थोड़ा शांत करता हूँ और थोड़ी देर बाद उसी को फिर पूछता हूँ कि सर आप किस काम के लिए आते हैं। तो उसकी वजह से उसका व्यवहार जो है, उसका कार्य की पद्धति, ध्वनि, शब्द, अर्थ, दूसरे का व्यवहार, कार्य भाव के बारे में मेरा आकलन बहुत अच्छी तरह से होता है। बायर के भौतिक रासायनिक घटना, शरीर पर प्रभाव, संवेदना, सूचना या घटना के बारे में मेरा आकलन, इसके बारे में मैंने कहीं देखा होगा, अभी मुझे उसमें मैंने उसको कहीं जोड़ा नहीं। दूसरा भी सिक्स स्टेप का भी का मैं अपने शरीर की स्थिति का आकलन करता हूँ, शरीर में कोई घटना, संवेदना, शरीर के बारे में मेरा आकलन। तो शरीर में तो बहुत सारी घटनाएं होती है कि जैसे मेरा दांत का दर्द है तो उसको मैं पढ़ता हूँ और उसका शरीर पे कुछ प्रभाव भी होता है, तो उसके लिए मैं कोई दवाई वगैरह ढूंढता हूँ। इस आकलन के आधार पर मैं पूरकता का निर्वाह करता हूँ, मैं जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ बिना प्रभावित हुए, तो ये मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन सातवां स्टेप का जो है अभ्यास दो का, इसके बारे में मैंने मेरा शून्य के सह अस्तित्व में बना हुआ, मैं निरंतर क्रियाशील हूँ, मैं निरंतर क्रियाशील हूँ, ये तो बात मुझे 100% समझ में आ रही है। लेकिन शून्य के आधार पे तो मैं उसको जांचने परखने की क्रिया में बहुत सारा लगा हूँ, उसको और भी बहुत गहराई से जाके समझने की कोशिश करता हूँ। सुबह उठने के बाद खुद को देखता हूँ, परखता हूँ, लेकिन उसकी मुझे अभी समझ नहीं आई है कि मैं उसको कैसे समझ लूँ। शरीर का होना भी शून्य के सह अस्तित्व में बना है, ये उसके आगे की स्टेप है, मुझे ऐसा लगता है। मैं आवश्यकता अनुसार शरीर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करता हूँ शून्य के माध्यम में, तो ये अभी मुझे और इसमें काम देना जरूरी लगता है। यह काम आवश्यकता अनुसार सामयिक रूप से करता हूँ, निरंतर नहीं। शरीर मेरे लिए एक उपयोगी साधन है। तो ये सेवन्थ का लास्ट का स्टेप जो है, तो शरीर का ध्यान भी रखना जरूरी है, ये भी मुझे समझ में आता है। तो इस प्रकार में अभ्यास एक और दो का मैं मेरा वर्णन है। अभी मैं यहाँ पे कुछ कमिटमेंट देता हूँ। जिस दिन से 6 जुलाई से मैं UHV में जुड़ा हूँ, उसी दिन से मैंने कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स भी करे कि जिसे मुझे मेरे ऊपर जो मान्यताओं का प्रभाव है तो उसको जांचने के लिए, सबसे पहले दिन जो मुझे मैं सुखी रहना चाहता हूँ या नहीं, सुख स्वभाव है या प्रभाव है, तो मैं मेरे स्टेटस पे भी मैं ऐसे क्वेश्चंस रखता था जिसे मैं विनय भैया के साथ शेयर करता था कि भैया मैं ये सही शेयरिंग कर रहा हूँ या नहीं, तो विनय भैया भी बोलते थे कि ठीक है, उसे सजगता आएगी। तो इसी पे भी मैं ऐसे शेयरिंग्स रख के लोगों से भी पूछता था कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, इसके बारे में मैं करता था। और दूसरा जो है कि मैं कमिटमेंट, मैं खुद के लिए तो अभी सैटरडे संडे मीटिंग भी ज्वाइन करता हूँ, कॉलेज में भी अभी हमारा UHV का कोर्स आ रहा है ऐसा उन्होंने कहा है, तो वहाँ पे भी मुझे भागीदारी के लिए तो मैं हमेशा रेडी रहता हूँ, जो भी काम मिलता है उसे समझ के करता हूँ। जो मुझे वॉलंटियरिंग का भी काम मिला, उसे में भी मैंने कॉलिंग का एक चरण खत्म किया, मैंने विनय भैया से कह के मैंने उनको बोला कि भैया मुझे ज्यादा से ज्यादा कॉल दीजिए, मेरा बात करने का ढंग भी थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग की वजह से लोगों को समझ में आता है, तो मैं उनसे ज्यादा से ज्यादा देर UHV के बारे में भी प्रपोजल्स के रूप में उनको बताता हूँ, तो वो भी लोग अभी 50 कॉल हुए हैं, तो उन्होंने भी उसमें तीन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है ऐसा उन्होंने कहा है। अभी बाकी का दूसरे चरण में भी उनका कॉलिंग का रूप में करूंगा। दो एक को फैसिलिटेटर का भी काम मिला यशवंत भैया के साथ में,
तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों ने वो पूरा हॉल का, सांगली में जो हमने UHV 1 का वर्कशॉप किया, वो हॉल का अरेंजमेंट, वैश्वन भैया एक काम में जुड़ जाते थे, मैं भी दूसरे काम में जुड़ जाता था, उस काम देख के हम लोग करते थे। श्रीनिधि गिंडी भैया भी साथ में थे, तो ये भी मैं काम कर रहा हूँ। और पूरा जो भी है ये UHV का, हर सत्र को ज्यादा से ज्यादा बारीकी से देखने की कोशिश करता हूँ और करता हूँ, उसमें काम करता हूँ। मैंने विनय भैया के साथ पुणे में दो कॉलेज को बताया है कि वहाँ पे UHV 1 का वर्कशॉप करना है। एक हमारे RSU का पॉलिटेक्निक है, उनसे, उनके प्रिंसिपल से बात किया है विनय भैया के साथ। एक इंडस्ट्री में भी गया था, तो आइकॉन इंडस्ट्री बोल के, तो वहाँ के जो ओनर है उनसे भी विनय भैया की बात करवाई, तो वो भी कहे, उन्होंने भी मुझे कहा कि हम लोग भी, हमारे 25 लोग है इंडस्ट्री में काम करने वाले, उनके लिए UHV का वर्कशॉप हम करेंगे। तो भैया इस तरह से मैं सबके साथ UHV को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यही मेरी तरफ से ये आज तक क्या UHV का जो जर्नी है इसके बारे में मैं रखता हूँ। सबका धन्यवाद धन्यवाद। जी, धन्यवाद भैया। तो अभी कुमार भैया से निवेदन करेंगे कि भैया राजू भैया की और शेयरिंग के बारे में अपनी बात रखें। जी बहुत ही बढ़िया रही, बहुत ही अच्छे शेयरिंग को सुन पाया। राजू भैया ने भी जिस तरह से गति की है, हाल में इन्होंने वर्कशॉप किए दो और मॉर्निंग सेशंस में बैच 8 से जुड़े, और जिस बारीकी के साथ वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जैसा विनय भैया ने भी कहा कि जिस तरह से वो भागीदारी के लिए तत्पर रहते हैं, ये प्रशंसनीय है। देखने में आया कि वो अभ्यास 1 और 2 के सारे बिंदुओं पर भी अपने ऑब्जर्वेशन को रख पाए, और एक एक बिंदु पे कितना देख पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, इसको भी रख पाए। तो राजू भैया की शेयरिंग अच्छी रही, और काफी, मैं कहूँगा, उनसे आशा रखी जा सकती है निकट भविष्य में भी। तो वो आगे भी मॉर्निंग सेशंस में जुड़े रहें, ऑब्जर्व करते रहें। भागीदारी तो ऑलरेडी आपकी बनी हुई है, आप कर भी रहे हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा कि आप कंसिस्टेंटली लगे रहें। आप कुछ डेमो से, जी भैया, जी, वीकली मीटिंग्स में अगर आप आते हैं तो वहाँ डेमो सेशंस दें, जी भैया, कंटेंट और बढ़ेगी आपकी। जी भैया, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ ट्रस्ट पे। जी बहुत बढ़िया। जी भैया, अपने जी भैया, हार्मनी द नेचर से शुरू करें, वो थोड़ा सरल पड़ेगा आपको। जी भैया, तो आप डेमो सेशन देना शुरू करें, और जी सब जब भैया, जी तैयार भैया, हो जाते हैं, उनकी हम डेमो सेशंस रखते ही हैं, तो उसमें भी आप ज्वाइन करें, तो जी एक अच्छा भैया, भाग, और आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ आसपास एक बड़ी टीम है, टीम में बहुत सारा कार्यक्रम की संभावना है, तो जी आपकी भैया, वहाँ पे भागीदारी हो सकती है। जी भैया, बहुत ही बढ़िया। और जिस तरह सरलता से आप प्रस्तुत होते रहे हैं, और जिस विनय के साथ आपने सारी बात रखी है, ये भी जी भैया, काफी बहुत बढ़िया भैया।